बाबा सिद्ध गौरिया जी का वार्षिक मेला है जो इस साल 16 जून को मेला शुरू होगा। मेले से पहले 13 जून को यहां बाबा भैरवनाथ जी का भंडारा होगा। उसके बाद सोमवार 17 जून को बहुत बड़ा एक दंगल जिसको हम केसरी दंगल के नाम से बुलाते हैं, और इस दंगल में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हम मतलब तकरीबन ऑल ओवर इंडिया से जो पहलवान आते हैं। और ये जो दंगल है ये एक जम्मू कश्मीर का मतलब बहुत बड़ा दंगल होता है। मेला पूरा एक हफ्ता चलता है। मेले में जहां लोगों के रहने की, खाने की, पीने की, सोने की हर व्यवस्था जो मंदिर की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। मेला तो जहां 8 दिन रहता है, सबसे बड़ा मेला है जम्मू कश्मीर का यही मेला। ये स्थान भी सबसे बड़ा है, इस स्थान की मान्यता भी बाकी जितने भी स्थान हैं उनसे ज़्यादा मान्यता इस स्थान की है। बाबा सिद्ध गौरिया नाथ जी का ये देव स्थान है, और हम भी यहाँ पे हर एतवार को, हर वीरवार को यहाँ पे आते हैं। जहाँ पे 15 दिन पहले ही तैयारियाँ शुरू हो रही हैं, अब शुरू हो गई हैं तैयारियाँ। जहाँ पे देखो आप, ये पेंट वगैरह हो गए हैं और कल से लाइटों का काम जो शुरू होने वाला है, कल से मिले CCTV कैमरे भी लगेंगे, कुछ लगे हुए भी हैं, लेकिन कल से जो है लाइटों का काम जो कल से शुरू हो रहा है। अब आप देख रहे हैं पूरी तैयारी हो चुकी है, जो जहाँ पेंट है, जो साफ सफाई का काम है, बाबा जी का हजारों भक्त जहाँ आके पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मेले की तैयारी कर रहे हैं। उसके साथ जो हमारे DC साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, जितने हमारे तहसीलदार हैं, जितने इलाके के अफसर हैं, वो जहाँ बाबा जी के कंधे के साथ कंधा मिला के चलते हैं, तो इस मेले को सफल बनाने की भरपूर कोशिश करते हैं और मेला भरपूर सफल भी हो जाता है। श्रद्धालु के लिए आप देख रहे हैं जहाँ इतनी इतनी बड़ी बाबा जी ने बिल्डिंगें बना रखी हैं, 3-3, 4-4 मंजिली बना रखी हैं, काफ़ी AC लगा रखे, काफ़ी पंखे का बंदोबस्त है। जो साधु हमारे आते हैं उनके लिए, आम श्रद्धालु के लिए भी जहाँ लंगर की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लंगर आपको पता है जो कम जगह होगी जहाँ 24 घंटे लंगर मिलता है, तो जहाँ हमारे जो पीर बोला बाबा जी हैं, जैसे बाबा रतननाथ जी, उन्होंने जो लंगर चला रखा है 24 घंटे जहाँ लंगर चलता है, तो श्रद्धालु आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। और आप इस जमाने के बाहर फॉरेन कंट्री से लोग जहाँ पैसा बाबा जी के लिए भेजते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जहाँ बहुत 10-15-20 करोड़ का मंदिर बनने जा रहा है, लगभग उसका 4 साल काम चलना है। आप यकीन करेंगे, आप तो शायद बाबा जी को जानते हैं, 1.5 लाख का तो उसका नक्शा ही बाबा जी बता रहे हैं, दीपा जी 1.5 लाख का नक्शा है, तो जहाँ बाबा जी की बहुत पार महिमा है। मेला बाबा सिद्ध गौरिया जी का, जो बाबा जी का मेला है, पहले तो भैरव भंडारा जो कहना ध्वजा बाबा जी का विधि अनुसार जो परंपरा के साथ में जो पुराना चलता आ रहा है, उसके हिसाब से कहना बाबा जी का 13 जून को बाबा जी का वो झंडा चढ़ेगा, तो बाबा जी का जो साधु भंडारा है बाबा भैरव जी के नाम का, बाबा सिद्ध गौरिया के नाम जी का पहले भंडारा चालू होगा, तो उसके बाद में बाबा जी का जो मेले का बंदोबस्त है वो 16 तारीख को बाबा जी का मेला है जो एतवार के दिन आ रहा है। तो सोमवार बाबा सिद्ध गौरिया जी का जो दंगल होता है, विशाल दंगल होता है, वो उसका बंदोबस्त होगा। 8 दिन बाबा जी का जो मेला है ये पुराना चलता आ रहा है परंपरा के अनुसार, तो 8 दिन ही बाबा जी का मेला चलता है। दूर दूर से जो हमारे श्रद्धालु है बाबा सिद्ध गौरिया जी के, वो वहाँ दूर दूर से बाबा जी के दर्शन करने को आते हैं। हाँ, श्रद्धालु बाबा जी का लगातार आना चालू हो गया। अभी मंदिर कमेटी की तरफ से या स्थान की तरफ से किस तरह की व्यवस्था मंदिर को लेके कहना अभी बढ़िया चल रही है, अभी बहुत अच्छी चल रही है, हर साल की तरह नया देखने को मिल रहा है, तो बहुत अच्छा चल रहा है। मंदिर पानी की
लंगर पानी की व्यवस्था जो बाबा जी के वहाँ पे भंडार पे जो हमारे जो सेवक हैं जो बाबा सिद्धू गोरिया जी के उनके नाम का लंगर भंडारा बहुत अच्छा करके लगाते हैं। तो व्यवस्था भी जो कहना यात्रु आते हैं उनके भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया करते हैं। प्रशासन के साथ भी बैठक होती है क्या? अभी तक बैठक हुई है? बैठक हमारी जो हुई है अभी नॉर्मल ही हुई है। अभी कहना वहाँ पे कोई इतनी अच्छी बैठक हमारी अभी नहीं हुई है। तो मेला भी पास में आ रहा है, देखते हैं अभी क्या बंदोबस्त अच्छा है। देखो हमारा जो प्रशासन की तरफ से तो हमारा यही है भी, मैंने कहना पहले भी हमारे डीसी साहब है सांबा, उनको हमने बोला है कि सर कहना हमारे ज़्यादा रोड को लेके ज़्यादा परेशानी है। तो अभी कुछ अच्छा देखने को तो मिल नहीं रहा। जो चाहते यही है अभी जो कहना श्रद्धालु रात भर कहना लाखों की तादाद में बाबा जी के जो सिद्ध समाधि के दर्शन करने के लिए आशीर्वाद लेने के लिए बाबा जी के मंदिर में उतरेंगे। तो यही अभी उनको कोई दिक्कत ना हो, रात को कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई भी कोई ऐसी वारदात ना हो, उसका बंदोबस्त करके हम कहना चलना चाहिए, सबको एकजुट होकर कहना चलना चाहिए। तो क्या उम्मीद रखते हैं कि प्रशासन करेगा कार्रवाई? देखते हैं अभी तो बीच में है 10 दिन, कोई देख लेते हैं फिर आपको पूरा ओपन में बताएंगे कि क्या बंदोबस्त है।